हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है कि डी ब्लॉक में कलर आयन कैसे फॉर्म होते हैं, या डी ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं वो कलर शो करते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन्स, डी ब्लॉक की खासियत होती है कि इसमें मेटल नॉर्मल स्टेट में भी और उसके अलावा सॉल्यूशन फॉर्म में भी कलर शो करते हैं। ठीक है, अलग अलग मेटल्स के अलग अलग कलर देखने को अपने को मिलते हैं। तो ऐसा किस कारण होता है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। इसमें अपन बात करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि एनर्जी लेवल्स, हर ऑर्बिटल की अपनी एक एनर्जी होती है। तो इस तरीके से अपन को पता है कि एक एटम में ऑर्बिटल्स लगातार एनर्जी के ऑर्डर में प्रेजेंट रहते हैं, 1s देन 2s देन 2p देन 3s 3p 3d 4s इस तरीके से। तो होता क्या है कि जब किसी भी मेटल पे या किसी भी मेटल आयन पे लाइट होती लाइट पड़ती है या लाइट डाली जाती है, ये यहाँ पे मैंने एच म्यू के द्वारा दर्शाया है, तो वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है एक्साइटेशन के लिए, तो उतने अमाउंट की जो जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तब वो इलेक्ट्रॉन उसमें लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है लोअर एनर्जी लेवल में ग्राउंड स्टेट में, वो एक्साइटेड स्टेट में कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में। अब हायर एनर्जी लेवल में हमेशा आप याद रखें वहां पर इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल रहेगा, तो अनस्टेबल होने के कारण वो जल्दी से जल्दी वापस क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो ग्राउंड स्टेट में आने की जब कोशिश करता है तब वहां पे वापस आते टाइम वो एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी जो रिलीज होती है वही अपने को क्या दिखाई देती है, जब अपन किसी भी मेटल का कलर देखते हैं तो वही कलर अपने को दिखाई देता है जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज की जा रही है। ठीक है, मतलब जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब हुई है, यहाँ पे जिस कलर की लाइट की फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री या जस्ट अपोजिट कलर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपन इसको अगर समझना चाहे तो इसके लिए कलर व्हील थ्योरी टाइप्स है, तो ये मैंने यहाँ पे कलर व्हील बनाया है। ठीक है, इस कलर व्हील में तीन कलर होते हैं प्राइमरी कलर और तीन कलर होते हैं सेकेंडरी कलर। अपन जब देखते हैं टोटल व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, बट मोस्टली वहां पे 3 प्राइमरी कलर देखे जाते हैं और 3 ही सेकेंडरी कलर रखे जाते हैं। प्राइमरी कलर यहाँ पे होंगे रेड, ब्लू और ग्रीन, इनको प्राइमरी कलर बोला जाता है, और इन्हीं कलर से मिलके या इन्हीं कलर के मिक्सअप होने से 3 और कलर बनते हैं जो होते हैं वॉयलेट, ऑरेंज और येलो। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को लेकर ये एक कलर व्हील अपन ने शो किया है। यहाँ पे आपको इंडिगो देखने को नहीं मिलेगा, बाकी विबग्योरी है, यहाँ पे इंडिगो हटा दिया गया है, VBGYOR। ठीक है, तो कलर व्हील थ्योरी को समझने के लिए इस तरीके से है कि अगर कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन है वो वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब जिस टाइम एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो कलर शो करेगा एनर्जी की रिलीजिंग टाइम, और अपने को वो कंपाउंड कैसा दिखाई देगा, येलो कलर का दिखाई देगा। सेम इसी तरीके से अगर वो ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो अपने को कंपाउंड ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, और अगर वो ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है जस्ट इसका अपोजिट कौन सा है, रेड, तो मतलब अपने को कंपाउंड कैसा दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा। तो जिस फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है उसकी जस्ट अपोजिट या जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये सारा काम विजिबल रीजन में होता है। ठीक है, लाइट के भी कुछ रीजंस होते हैं जिसमें यूवी रीजन, विजिबल रीजन, आईआर रीजन प्रेजेंट रहते हैं। तो विजिबल रीजन होता है 400 से 700 नैनोमीटर तक, जिसमें अपने को कलर दिखता है और जिस रेडिएशन को अपन देख पाते हैं। आईआर रेडिएशन प्रेजेंट होता है बट अपन उसको देख नहीं सकते, यूवी रेडिएशन भी प्रेजेंट होता है बट अपन उसको देख नहीं पाते हैं, अपन सिर्फ और सिर्फ उन रेडिएशन को देख सकते हैं जो विजिबल रीजन में प्रेजेंट हो। तो विजिबल रीजन होता है 400 टू 700 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है, तो विजिबल रीजन में अपने को इन सबका कलर देखा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करते हैं कि कलर जो शो होता है, एक बात आप हमेशा याद रखें, जिस भी कंपाउंड में या जिस भी मेटल आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही कलर शो करेगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट होता है और हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और वापस से वो लोअर एनर्जी लेवल में आने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने पे स्टेबल हो जाते हैं,
जबकि अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी गेन भी कर सकता है और एनर्जी को छोड़ भी सकते हैं, एनर्जी लॉस भी करता है। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस क्या हो रहा है, ये लोअर एनर्जी में जितनी एनर्जी गेन करेगा उतनी उतनी एनर्जी छोड़ देगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आता, बट इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन भी करता है और एनर्जी लॉस भी करता है। उसके बाद जैसे अपन एक एग्जांपल की फॉर्म में बात कर सकते हैं कि जिंक 2 प्लस आयन की जिस टाइम बात की जाती है, तो आप देखेंगे कि जिंक 2 प्लस आयन कलरलेस होता है, इनका जो इनके इसके जो सॉल्ट होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो जब आप जिंक 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन देखेंगे, तो जिंक 2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन होता है 3d10 और दो इलेक्ट्रॉन जो 4s2 में थे वो रिमूव हो जाते हैं, तो जिंक 2 प्लस के लिए 3d10 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने के कारण यहाँ पे कोई तरह का कलर शो नहीं होता है और जिंक के सॉल्ट व्हाइट कलर शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एक और रीजन भी होता है, ये तो थे, इसको तो डी डी ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं, मतलब डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल से ही हायर डी ऑर्बिटल्स में ये एक्साइट हो रहे हैं और वापस आने पे कलर शो हो रहा है, बट कुछ अदर रीजंस भी होते हैं जिसके कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर शो कर सकते हैं। ये अपन मोस्टली तो इसको पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, बट इसका एक छोटा सा जनरल इंट्रो अपन देख लेते हैं। मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर और लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर MLCT एंड LMCT, मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर एंड लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। मैंने आपको बताया था कि मेटल एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड में अपन अगर बात करेंगे तो एक मेटल प्रेजेंट रहता है और इलेक्ट्रॉन डोनर्स की फॉर्म में लिगेंड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो मेटल और लिगेंड आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इसी कॉम्प्लेक्स इसके कॉम्प्लेक्स के अलग अलग कलर अपने को देखने को मिलते हैं। तो उनको समझाने के लिए, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स का कलर आप डीडी ट्रांजिशन के बेसिस पे नहीं समझा पाते हो, तो उसको समझाने के लिए MLCT और LMCT बताया जाता है, मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर एंड लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल से लिगेंड की ओर, और लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज का ट्रांसफर होता है लिगेंड से मेटल की ओर, है ना, LMCT। तो इसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे देके बताया है कि MnO4-, है ना, जब आप KmnO4 की बात करते हैं तो KmnO4 में MnO4- आयन प्रेजेंट रहता है। अब KmnO4 का आप कलर जब देखते हैं तो अब आप देखते हैं कि डार्क वॉयलेट कलर होता है, जब उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वो पिंक कलर शो करता है। बट जब आप मैग्नीज की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, Mn+7 होता है यहाँ पे, MnO4- में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, Mn+7। Mn+7 है, तो Mn+7 होने के कारण यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर यहाँ पे कलर शो कैसे हो रहा है। तो अब ये कलर शो होने की टेंडेंसी किस कारण होती है, यहाँ पे LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण यहाँ पे कलर शो होता है। आप यहाँ पे कलर को डीडी ट्रांजिशन से नहीं समझा पाओगे, इसलिए लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर यहाँ पे अपने को आंसर की फॉर्म में लिखना है। तो अभी आपके इतना ज्यादा तो है नहीं जिसमें अपन पूरा समझे, पर ठीक है कि आपको ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, MLCT क्या टर्म होती है और LMCT क्या टर्म होती है। कुछ कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, कुछ आगे कंपाउंड्स पढ़ेंगे डी ब्लॉक के, जो अपने को LMCT और MLCT के बेसिस पे ही अपन उसका कलर समझा पाते हैं, बाकी डीडी ट्रांजिशन के बेसिस पे उसका कलर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये तो था डीडी ट्रांजिशन जिसके कारण कलर शो करते हैं आयंस कंपाउंड्स मेटल्स, और डीडी ट्रांजिशन होता कैसे वो मैंने आपको समझा दिया, कलर व्हील का थ्योरी क्या है वो भी समझा दिया मैंने आपको, और इसके अलावा अपन नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।